So hello friends, welcome to my channel. So today we'll be doing a fresh setup of a planetary tank. This is like a 30 centimeter cube, 30 height, 30 length and 30 depth, and we'll be going to do a planetary setup with CO2 and a good quality light, that is basically Azure Ray 1. That's the brand of the light. I'll do a separate video on that. But first of all, in this video, we'll concentrate on what all things we have to do to do a basic setup of a planted tank. So, this method that I'm going to use is basically, I don't know the actual name, but it is a kind of a like dark start method, I should say. A dark start method is something where we don't plant. हम लोग कोई plant नहीं लगाएंगे इसमें. इसमें हम लोग hardscape कर देंगे, मिट्टी, जो भी soil होगा, वो we will put the hardscape. And that's it. We'll not do any planting, and we'll also add filter, and we'll let that filter run for around a month. एक महीने तक, एक डेढ़ महीने, वो filter चलता रहेगा. What benefit of this is कि this actually for this 1 month time or 1.5 months time, we will be doing one water change a week, like around 80% every week, and we will dose it with some beneficial bacteria. So the motto here will be like, set everything except plants, will not use light, no CO2 because there is no plant. So this 1.5 months we will let this full aquarium get set. Ek bar once the aquarium is set, bacteria colony proper thrive ho jayega. To uske baad hamare ko, then we will change complete water, we'll plant and then we'll put the water back. Benefit is, by the time your plant is set, क्या होगा है कि ऑटोमेटिकली एक नाइट्रोजन साइकिल सेट हो चुका होगा, बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कॉलोनी सेट हो चुकी होगी. तो क्या होगा कि चांसेस ऑफ एल्गी बहुत कम होता है. ये मैं एक दूसरा टैंक, जो आप मेरे दूसरे वीडियोस आप देखोगे, जो भी मेरे पास प्लांटेड टैंक है, वो सारे के सारे मैंने पिछले मतलब एक साल में जितने भी प्लांटेड टैंक्स किए हैं या जो भी किया है, उसमें सारे में मैंने ये डार्क स्टार्ट मेथड यूज़ किया है. मतलब नो लाइट फॉर अ मंथ, पुट एवरीथिंग एक्सेप्ट प्लांट. प्लांट मत करो, हार्डस्केप, नॉट फर्टिलाइजर ऑल्सो. सो नो फर्टिलाइजर, नो प्लांट्स, नो लाइट. फिल्टर चलता रहेगा 24/7. हार्डस्केप हो जाएगा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया वी विल ऐड. सो एक महीने, डेढ़ महीने पूरा टाइम रहता है इस प्लांट को सेट होने का. बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट है कि चूंकि आप लाइट नहीं ऑन कर रहे हो, फर्टिलाइजर नहीं है, तो एल्गी नहीं आएगा. थोड़ा सा डायटोम आ सकता है, बट कोई भी एल्गीज नहीं आएगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग कि जब आप प्लांटेशन शुरू करोगे, उस समय तक आपका बैक्टीरिया कॉलोनी सेट हो चुका होगा, तो प्लांटेशन के बाद भी चांसेस ऑफ एल्गी इज़ वेरी लेस, और आपका प्लांटेड टैंक का सक्सेस होना का चांसेस बहुत बढ़ जाता है. एटलीस्ट मैं हमेशा हर एक टैंक में यही यूज़ करता हूँ, और इट वर्क्स मैजिक एक्चुअली. सो विल स्टार्ट दिस वन, एंड आई वॉक यू गाइज थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, बेसिकली हाउ वी डू दिस डार्क स्टार्ट मेथड. सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, सो अभी क्या है, वी हैव अ टैंक, अ बेयर बॉट, मीन्स लाइक एन एम्प्टी टैंक, खाली टैंक है, 30 सेंटीमीटर का क्यूब है ये. पहली चीज़ जो मैं हर बार यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अभी हाल फिलहाल में सीखा ये सब, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी यू विल गेट बेनिफिटेड. तो पहली चीज़, वी यूज़ दिस ADA सुपर 4. ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आई फाउंड. ये बॉक्सेस भी आते हैं इसके, अलग अलग बॉक्सेस, लाइक वैक्टर 100, टर्मालाइन BC, वो सारे पैकेट सेपरेट भी आते हैं, बट कॉस्टली होता है वो. आई थिंक 100 ml, आई थिंक 100 ग्राम का शायद 1500 या 1500 इंडियन रुपीज़ ऐसा कुछ है. बट ये ऑलमोस्ट आपको ऑनलाइन 395-350 में मिल जाएगा. मुझे 395 पड़ा है एक का, बट इट इज़ वर्थ. बस इस टैंक में ऑलमोस्ट एक ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं. तो क्या करते हैं, मैं इसको कट करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है. तो इस पैकेट को जब आप कट करते हैं ना, तो आपको ये तीन पाउच मिलते हैं. नाम है सुपर 4, बट पाउच 3, बिकॉज द फोर्थ वन इज़ यू बेसिकली. द फोर्थ सुपर मटेरियल इज़ यू इटसेल्फ, सो दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव नेम्ड इट अ सुपर 4. तो पहला जो इसमें है, दैट इज कॉल्ड क्लियर सुपर, देन वी हैव बैक्टर 100, एंड देन वी हैव टर्मालाइन BC. सो दिस कॉम्बिनेशन, राइट, इट हेल्प्स इन गिविंग अ बेनिफिशियल बैक्टीरिया टू योर टैंक. ये एक पूरी तरह से एक सेट करता है, बिकॉज बैक्टर 100 हैज 100 टाइप ऑफ बैक्टीरिया. वन इज, दिस इज द फूड फॉर बैक्टीरिया. सो एंड सेकेंड थिंग इज, ऑल दिस बैक्टीरिया डॉर्मेंट स्टेट, सोए हुए स्टेट में होता है. तो इसको जगाने के लिए दीज टू थिंग्स, एंड दिस इज द फूड. तो ये सारा कुछ एक पूरा एक पैकेज में है.
आप अलग सेपरेट खरीदने से अच्छा है कि आप ये एक सुपर फोर लेके डाल दो। क्या करना है, पहला स्टेप, फर्स्ट थिंग इज, ये बेस में ना हम ये तीन चीज़ डाल देंगे ऊपर, बस आप स्प्रिंकल कर दो ऐसे, ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज वॉट इज, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये लगाने के बाद वॉट आई यूजली डू इज, मैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत ये डाल देता हूँ, ऑल दीज सिरामिक रिंग्स। क्या होता है ना कि दीज सिरामिक रिंग्स आर पोरस एंड दे गिव अ नाइस प्लेस टू हाउस दिस दिस बैक्टीरिया एंड ऑल। सो मैं वो सारे वो पाउडर डालने के बाद सुपर फोर वाले, आई विल पुट दिस सिरामिक रिंग्स, और उसके ऊपर देन आई पुट दिस एडीएम अमेजोनिया। ये 3 लीटर का है, 3 केजी आई थिंक, बिकॉज इस टैंक के लिए काफ़ी ऐसे मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, तो आई विल पुट दिस। दिस इज़ नॉट अ पाउडर्ड फॉर्म, तो अगर आपको ये करना है बेसिकली कारपेट प्लांट्स लगाने हैं, मैं यूजुअली मैंने सोचा मैं इसमें मोंटे कार्लो लगाऊंगा, क्योंकि वन ऑफ द नाइस कारपेट प्लांट्स मैंने पहले यूज़ भी किया हुआ है, सो आई हैव गुड एक्सपीरियंस विद दैट। तो मोंटे कार्लो लगाऊंगा इसमें, तो इसलिए क्या होता है ना, मोंटे कार्लो के लीव्स छोटे होते हैं, तो अगर आप सीधा एडी अमेजोनिया डालोगे, नॉर्मल वाले पाउडर वाले नहीं, नॉर्मल वाले जो मैंने दिखाया, तो इसमें क्या होगा ना कि मैंने जो जैसा नोटिस किया है कि जो उसके लीव्स निकलते हैं ना मोंटे कार्लो के, उसके ऊपर सॉइल आ जाता है, वो लीव्स अच्छे से ऊपर खिल के नहीं आते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक पुराना पड़ा हुआ थोड़ा सा है, ये एडी अमेजोनिया ही है, बट इट इज़ अ पाउडर एक्चुअली। ये देखो, आप मैं दिखाऊंगा बाद में, ये बहुत फाइन है, ये पाउडर है। तो कोर्स वाला एडी अमेजोनिया डालने के बाद आप ऊपर एक थिन लेयर पाउडर का डाल दो, एंड देन यू प्लांट इट। तो उसमें क्या होता है ना कि वो प्लांट के रूट्स को पकड़ता भी अच्छे से, क्योंकि मोंटे कार्लो ये सब जो कारपेट प्लांट से रूट्स उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो ये पाउडर वाला क्या होता है ना कि रूट्स को अच्छे से पकड़ता है, और लीव्स जब फैलता है वो, तो लीव्स को एक अच्छा मीडिया मिलता है, ताकि वो हमेशा सॉइल के ऊपर रहता है। तो ये दिस इज वेरी गुड थिंग। सो फर्स्ट स्टेप दिस, 3 थिंग्स, देन सिरामिक रिंग्स, और यू कैन पुट सम स्मॉल दिस क्या बोलते हैं उसको, लावा रॉक्स, वो भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ भी जिसमें बैक्टीरिया हाउस कर सके, अपना घर बना सके। और दूसरा फिर ये आपका सॉइल, तो सॉइल भी एक तरह का बैक्टीरिया के घर का काम करता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो भी प्लांट टैंक होती है, इसमें बैक्टीरिया पानी में नहीं घूमता रहता है, ये किसी सरफेस पे होता है, इसलिए पानी आप हमेशा भी चेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक आपका एक बार बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कॉलोनी हमेशा या तो आपके फिल्टर में आती है यहाँ वो। अब सो दूसरा चीज़ देखते हैं फिल्टर। तो मैं जो फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ वो ये है सनसन का 604 भी या 603 भी, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा चेक करके, आई एम नॉट श्योर कौन सा है ये, बट या दिस इज़ द फिल्टर मीडिया दैट आई एम गोइंग टू फिल्टर विच आई एम गोइंग टू यूज़। अभी इस फिल्टर में ना मैं दिखाता हूँ आपको, अभी पूरा आ नहीं रहा होगा। सो इस फिल्टर में मैंने क्या किया है कि फिल्टर मीडिया डाला है, इसके अंदर जो फिल्टर मीडिया मैंने लावा रॉक्स डाले हैं, ठीक है, ये पूरा लावा रॉक्स चिप्स बेसिकली हैं, तो लावा रॉक्स। और इसमें भी मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा जो ये सुपर फोर वाला जो पाउडर है ना, ये थोड़ा थोड़ा इसमें भी डाल दूंगा, ताकि बैक्टीरिया को हाउस करने का बहुत जगह मिले, और ऊपर में ये एक एक बस ये डाला है। तो देखो, ये फिल्टर सेट करने का है कि फिल्टर में आपका ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना इसमें स्पंज डालो, जब ये फिल्टर आप लेके आओगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई फिल्टर मीडिया नहीं मिलेगा आपको, बस ये 3 टाइप के स्पंज मिलेंगे, एक फाइन, एक कोर्स, एक सुपर कोर्स, ठीक है। कोई कोई फ़ायदा नहीं है 4-5 स्पंज डालने, क्योंकि स्पंज इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। स्पंज बस इसलिए है कि जो भी कचरा हो वो आप कलेक्ट कर सको, और आपके जो फिल्टर मीडिया है, मतलब ये जो लावा रॉक है, इसको जो पानी जाए वो फिल्टर्ड पानी हो, उस पानी में कचरा नहीं हो। क्योंकि क्या होगा, अगर उस पानी में कचरा है ना, तो इस लावा रॉक्स के पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, और बैक्टीरिया को रहने में इट विल बी डिफ़िकल्ट, और कुछ टाइम के बाद गंद आने लगेगा, क्योंकि आप फिल्टर मीडिया को उतना ज़्यादा साफ नहीं करोगे जितना कि आप स्पंज को साफ करोगे। फिल्टर मीडिया बार बार साफ नहीं करते, मोस्टली लाइक 2-3 महीने में एक बार आप इसको हल्का वॉश दोगे, ये भी नहीं कि एक हार्ड वॉश दे रहे हो, नहीं, हल्का पानी में वॉश दोगे, ताकि बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी रहे, वो बिगड़े ना, तो आपका मैक्सिमम वॉश ये झेलेगा। तो ये हमेशा, कभी भी आपका फिल्टर हो तो आप ऐसे जगह डालो जहाँ पे पहला पानी इस पे गिरे, फिर फिल्टर मीडिया पे जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी इस वाले एक्वेरियम में, सॉरी फिल्टर में, पानी मेरा ऊपर से आता है और यहाँ से इनलेट जाता है इनटू द एक्वेरियम, तो जहाँ से पानी इसमें आ रहा है वहाँ पे आप फिल्टर लगाओगे, सॉरी ये स्पंज लगाओगे, ताकि ये जो भी कचरा आए वो उसको ये रोक ले, और ओनली छना हुआ साफ पानी विल गो टू द एक्चुअल लावा रॉक मीडिया, ठीक है, और यहाँ से फिर आएगा। अब बहुत सारे एक्वेरियम्स में इनलेट नीचे होता है, नीचे से पानी आती है और ऊपर से एक्वेरियम में जाती है, उस समय आप ये जो स्पंज है ये आप नीचे लगाओगे,
मीन्स ये स्पंज विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि जहाँ पे पानी आपके फिल्टर में आए, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये हो गया, अभी विल स्टार्ट विद द सेटअप। ओके, सो मैं ये थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। और हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे ना हार्डस्केप में, क्योंकि जगह नहीं है ज़्यादा, मैं ज़्यादा इसमें प्लांट लगाने की सोच रहा हूँ अभी तो, और इसमें एक लाइट लगाऊंगा और प्रेशराइज CO2 जो मेरी पुरानी टैंक में था, अब उसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें ट्राई कर रहा हूँ। तो ये एक ड्रैगन रॉक है, दो तीन और है मेरे पास, और एक ये सेरियू रॉक आई थिंक ये बोलते हैं ना उसको, आई थिंक ये है, और एक दो मेरे पास लावा रॉक्स हैं। तो इन तीनों को मिला के मैं ट्राई करता हूँ कुछ एक ढंग का एक एक्वा, मतलब एक हार्डस्केप तैयार हो जाए, तो देखते हैं। मैं लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट, ठीक है। सो मैं ये वीडियो काफ़ी अनएडिटेड तरीके से बना रहा हूँ ताकि सब लोग जो देखें उनको एक बेसिक आइडिया मिले। तो बैक्टर 100, ठीक है। तो कैसे डालना है आप देखो, ये आप देख रहे हो, ये मैं बस इस पर डालता जा रहा हूँ बिना किसी कुछ सबके। बहुत लोग क्या क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, ठीक है, इतना इसको मैं फिल्टर में डालूंगा, इतना मैंने बचा लिया है, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप डायरेक्ट पानी में डाल दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये टूरमलाइन BC, तो दिस इज 100 टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड 1 पाउडर इज देयर टू। ये सभी डॉर्मेंट सोए हुए स्टेट में होते हैं, तो उनको जगाने के लिए कि भाई उठ जाओ, काम करना शुरू करना है, अभी काम करने की टाइम आ गई अभी, तो उसके लिए है कि भाई जागो मोहन प्यारे, ठीक है। तो ये हो गया टूरमलाइन BC, एज यूजुअल मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, इसको बाद में फिल्टर में डालेंगे, फिल्टर मीडिया के ऊपर, क्योंकि बैक्टीरिया हमें हर जगह चाहिए, मतलब आपके एक्वेरियम में जितना बेनिफिशियल बैक्टीरिया उतना अच्छा। तो आप जितना बैक्टीरिया को रहने का घर दोगे उतना अच्छा, बट अब इस 1 फीट के टैंक में कितना जगह दे पाऊंगा, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि इसमें ही हो जाए। पार्डन मी फ्रेंड्स, अगर थोड़ा वीडियो आगे पीछे ठीक से ना आए, क्योंकि मुझे मेरा ये जो ट्राईपॉड है ना, ये कोई बहुत बढ़िया ट्राईपॉड नहीं है, बेसिक सा है, ठीक है। ये हो गया, तो फिर से दिखा दे रहा हूँ पूरा पुराना पैकेट, Super 4 ADA का है ये। आई थिंक यहाँ पे इंडिया में स्टिल वाटर एक्वेटिक्स के थ्रू आई थिंक इट इज़ मार्केटेड, समथिंग लाइक दैट। और इन्होंने यहाँ पे बना भी रखा है कि देखो, बायोरियो बोल के ना एक बहुत अच्छा फिल्टर मीडिया आता है, लावा रॉक आप यूज़ कर रहे हो, मेरे पास थोड़ा सा बायोरियो था तो उस लावा रॉक के नीचे मैंने थोड़ा सा बायोरियो भी डाला हुआ है। तो ADA का बायोरियो इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक। इसका कोई बहुत सबसे इसका अच्छी चीज़ क्या है ना कि इसका एक्सपायरी डेट नहीं है, आप एक बार ले लो सो लाइफ टाइम में होता है। बहुत सारे फिल्टर मीडिया का रहता है कि 10 months 12 months लाइक दैट, एंड आफ्टर दैट आपको चेंज करना होता है, बट ये इसमें नहीं है, बायोरियो में नहीं है। इसलिए इन्होंने लिखा है कि बायोरियो फर्टिलाइजर यूज़ करो, उसके साथ ADA Super 4 वेरी गुड, क्योंकि ये बैक्टीरिया देगा और बायोरियो उसको घर देगा। बायोरियो एक तरह का, मतलब इतने छोटे छोटे ना वाइट रंग के पत्थर जैसा आता है, हाईली पोरस, तो उसमें बैक्टीरिया अपना घर बना के रहता है। फिल्टर में डालते हैं, बहुत लोग उसको, अगर आप वो चाहो तो आप यहाँ पे, जैसे मैं सिरामिक रिंग डाल रहा हूँ, राइट, तो एक ADA का पावर सैंड भी आता है, इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दैट पावर सैंड, बट मेरे पास नहीं है इसलिए मैं सिरामिक रिंग यूज़ कर रहा हूँ। लावा रॉक भी यूज़ कर सकते हैं, सिरामिक रिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं भी यूज़ कर सकते, बट इट ऑलवेज गुड टू यूज समथिंग। मेरे पास ये पड़ा हुआ है एक्चुअली, सो वाई नॉट यूज़ इट। यूजुअली कैसे सेट करते हो, आप एक स्लोप लगा डालते हो, यहाँ पे ज़्यादा हाइट देते हो, यहाँ पे कम देते हो, राइट, पीछे ही रख देते हैं, थोड़ा सा काम ही आएगा ये स्लोप बढ़ाने में। ये हो गया लास्ट, ठीक है, ये डाल दिया, दैट्स इट। चाहो तो आप एक पैकेट में करके भी डाल सकते हैं, दैट इज़ बेटर एक्चुअली।
अभी इसमें हम लोग डालते हैं अभी फ्रेंड्स ये जो मैं डाल रहा हूँ ना ये एडीएम एमेजोनिया ही है बट यूज्ड है, तो मैंने बस एक नॉर्मल से प्लास्टिक में रखा हुआ है। सो विल जस्ट पोर इट इन, पार्डन मी अगर वीडियो में थोड़ा गड़बड़ा है, मैं बाद में एक्चुअल क्लियर करके दिखाऊंगा। अभी आपको इज़ द व्यू प्रॉपर और नो, एक सेकेंड लेट मी एडजस्ट इट अ बिट, रिफ्लेक्शन के लिए सॉरी गाइस। राइट आई थिंक दिस इज फाइन। तो ये हमने डाल दिया, पुराना एक पड़ा हुआ था तो मैंने डाला है, अभी इसको बस थोड़ा सा सेट करते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि काफ़ी कोर्स है एक्चुअली, मतलब फाइन सैंड नहीं है ये, ओके। पर मेरे पुराने थोड़े बहुत ना इसमें लावा रॉक्स पड़े हुए थे, ये सभी रिलेटेड भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी देखो एक और चीज़ यहाँ पे है, तो ये हमारा एक डार्क स्टार्ट मेथड होने वाला है, ठीक है। अब जो जो बड़े बड़े हैं वो मैं हटा ही लेता हूँ, बाद में डाल देंगे इधर उधर कहीं पर, तो दिख रहे हैं तो भैया हमको उठा ही लेना चाहिए। ओके सो नाउ दिस इज इट, ठीक है। तो ये दिस इज वन, और लेट्स पुट दिस अदर पैकेट ऑल्सो, बचा के क्या करूँगा, लेट्स पुट दिस एज वेल। ये देखो एडीएम एमेजोनिया 2 मेरे पास अभी, इसका एक नया दिस इज़ अ बिट ओल्ड, ये शायद अभी नई नई मिले आपको अमेजोनिया 2, इसका एक आया है एडीएम एमेजोनिया वर्जन 2, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये सारे कुछ है उसमें, बट उसके साथ आपको एक फर्टिलाइज़र की अलग से पैकेट में मिलती है। अगर आपका ज़्यादा डिमांडिंग प्लांट्स है तो आप वो फर्टिलाइज़र का पैकेट डाल सकते हो, नहीं तो एडीएम एमेजोनिया 2 जैसा काम करेगा वो। अगर आप फर्टिलाइज़र डाल दोगे तो आई थिंक वो अमेजोनिया बनता है, आई थिंक वन ऑफ द टू। लाइक देखो अमेजोनिया 2 जो है ना, इसमें थोड़ा सा इन्होंने फर्टिलाइजर का कंटेंट थोड़ा कम किया, तो ये काई एल्गीज वाले इसको बहुत अच्छे से हैंडल करता है, मुझे बहुत अच्छा सक्सेस मिला है इस वाले से। वर्जन 2 में क्या होता है कि अगर आप सिर्फ वर्जन 2 यूज़ करते हो बिना उसके एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइजर का पैकेट देता है, तो वो इट विल बिहेव एज अमेजोनिया 2। और अगर आप चाहते हो कि अमेजोनिया 2 तो ठीक है, मैंने मुझे जो फर्टिलाइज़र इसके साथ मिल रही है वो ठीक है, मुझे और एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डालना है, तो वर्जन 2 में एक आपको एक और पैकेट मिलता है, तो सॉइल का फर्टिलाइज़र कंटेंट न्यूट्रिशंस कंटेंट बढ़ जाता है, बट एल्गी भी आपको कंट्रोल करनी पड़ती है फिर, क्योंकि उसमें एल्गी का चांस बढ़ जाता है। और यार न्यू सॉइल इज लाइक कलर ही दूसरा होता है, आने वाले का तो कलर ही बेकार हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ एज यूजुअल, जिन्होंने आइडिया यूज़ किया होगा, एक पैकेट मिलती है यूज़र गाइड जैसा, जो कोई नहीं पढ़ता, बट एनीवेज दिस इज़ गुड, विच यूजुअली डोंट रीड। हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली रीड दिस यूज़र गाइड एक्चुअली। एडी ऐसी ब्रांड है कि इसके लिए यूज़र गाइड पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज इसके यूज़र ही इतने ज़्यादा हैं कि आपको पता रहता है कि आपको यूज़ कैसे करना है। तो मैं थोड़ा सा ना इसको स्लोप दे दे रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी देखो एक अच्छी चीज़, जब भी आप प्लांटेड टैंक बनाओगे ना, तो थोड़ा मोटा सोयल रखो। ये देखो यहाँ पे इट इज़ क्लोज टू लाइक 1.5 इंच होगा, 1.5 इंच। और अगर आप बैक देखोगे ना, आपको दिख नहीं रहा है, बट इट इज़ जस्ट द डबल ऑफ दिस अगर बैक में देखोगे तो, इसलिए एक आपको स्लांट स्लोप दिख रहा होगा। ठीक है, आई थिंक वी आर गुड, बाकी वो जब पानी सेट होगा तो सेट हो जाएगा। वैसे अभी मैं ना थोड़ा टाइम स्पेंड कर लगाऊंगा एक
थोड़ा बेसिक हार्डस्केप पे. सो मे बी आई विल शूट दैट वीडियो इन कंटिन्यूएशन विद दिस, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा. आई विल कैच यू गाइस. सो वेलकम बैक गाइस. अभी मैंने क्या किया है कि एक बहुत ही बेसिक एक्वास्केप किया, हार्डस्केप. और यहाँ पे आप देख रहे हो थिकनेस मिट्टी का, यहाँ इतना है और बैक जाओगे तो थोड़ा और है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 3 इंच के पास, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा बहुत सारा सॉयल था, मतलब पहले का यूज्ड, तो मैंने वो सब मिक्स करके डाल दिया, क्योंकि इट्स गुड टू यूज़, नहीं तो मैं फेंक देता. ऐसा अच्छा है कि चलो यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि रखने की जगह नहीं है मेरे पास अभी. तो नाउ अभी ये टैंक हार्डस्केप हो गया. हार्डस्केप इज़ वेरी मिनिमम, क्योंकि एक तो मेरे क्योंकि दो रीज़न है. एक तो सॉयल बहुत ज़्यादा डाला है, दूसरा स्पेस बहुत कम है. मेरा प्राइम मोटिव देखो, जब भी आप एक्वास्केप करो तो आप देखो कि आपका इंक्लिनेशन किस साइड है, क्या इंटरेस्ट है, आप प्लांट ज़्यादा चाहते हो या हार्डस्केप ज़्यादा चाहते हो. मोस्टली जो जो ये सब कॉम्पिटिशन्स होती है, राइट, IAPLC और ये सब, इसमें वो हार्डस्केप और आपका प्लांट दोनों पे ध्यान देते. तो अगर आप भेजना चाहते हो अपने एक्वेरियम को IAPLC इन सब में, ना कंसंट्रेटेड ऑन बोथ, हार्डस्केप भी अच्छा करो, प्लांटेशन भी अच्छा करो. आप देख सकते हो जिस टाइप IAPLC इन गूगल, और बहुत सारा आपको मिलेगा, तो आप वहाँ देख सकते हो कि उनका स्टैंडर्ड कितना हाई रहता है हार्डस्केप का. मेरा यहाँ पे मोटो, मेरा पर्सनल, मुझे प्लांट ज़्यादा पसंद है हार्डस्केप से, तो मैं हार्डस्केप बहुत कम रखता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग, कि भाई थोड़ा सा अच्छा लगता है. केवल प्लांट भी, डट स्टाइल भी उतना अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है, डट स्टाइल का भी अपना खूबसूरती. बट यहाँ पे मेरे पास था कुछ, ड्रैगन स्टोन थे, सेरियो रॉक्स थे, लावा रॉक्स थे, तो मैंने सारा कुछ मिक्स करके डाल दिया, वो भी पीछे साइड. सामने पूरा एक जगह छोड़ दिया है, मोस्टली कोई बेड बेड जैसा कोई फोरग्राउंड प्लांट लगाऊंगा, कारपेट और मे बी सम दूसरा कोई स्टेम प्लांट्स पीछे. यूजुअली दैट्स व्हाट वी डू, स्टेम प्लांट पीछे और कारपेट प्लांट सामने, राइट. सो दिस इज इट गाइस. सो अभी मैं क्या करूँगा, तो ये अभी इन शॉर्ट, मैं जस्ट अ शॉर्ट रिकैप, दिस इज अ डार्क स्टार्ट मेथड. डार्क स्टार्ट मेथड में हमने क्या किया, हमने ADA सुपर 4 का वो जो 3 पाउच थे वो तीनों बेस में डाला, उसके ऊपर हमने थोड़े से सेरामिक स्टोन्स डाले. आप लावा रॉक्स भी डाल सकते हो, पावर सैंड है, या कोई भी ऐसा फिल्टर मीडिया जिसमें बैक्टीरिया अपना हाउस कर सके, घर बना सके, वो डाला. उसके ऊपर हमने ADA Amazonia डाला, और एक जो फाइन लेयर आपको दिख नहीं रही होगी, बट ये फाइन लेयर आप देखोगे ना, तो मैंने ADA Amazonia का ही पाउडर डाला. क्यों? बिकॉज जो भी ये कार्पेट प्लांट्स होती है ना, उनकी रूट्स बहुत कमज़ोर होती है, तो उसको प्लांट करने में ये जो पाउडर वाले जो लेयर होता है ना, दिस कम्स वेरी हैंडी. ये उसको पकड़ता अच्छे से और वो ज़्यादा उसको अपरूट नहीं होने देता, और प्लांट्स उनके रूट्स को फैलने में और उनके लीव्स को फैलने में ये पाउडर वाला, तो ADA वाला जो पाउडर टाइप का है, इट कम्स वेरी नाइस एक्चुअली. तो दिस इज इट. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको पानी से भरेंगे. क्या करना, आप ADA Amazonia का जब भी आप नया यूज़ करते हो ना, इट लीचेज अ लॉट ऑफ अमोनिया. अब आप पूछोगे अमोनिया क्यों, अमोनिया इज़ बैड फॉर प्लांट्स. करेक्ट, अमोनिया इज़ बैड फॉर प्लांट्स, क्योंकि अमोनिया से एक तरह का, दैट इज़ जहर है, इट्स अ पॉइजन बेसिकली. बट क्या होता है कि अमोनिया ज़्यादा होने की वजह से ना, आपका नाइट्रोजन साइकिल किक स्टार्ट जल्दी होता है, बिकॉज नाइट्रोजन साइकिल में जो पहला बैक्टीरिया, आई थिंक नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया और ऐसा कुछ है, बट उसमें जो फर्स्ट स्टेप है इज द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, बिकॉज दिस अमोनिया इज फूड फॉर योर बैक्टीरिया. इसलिए वो अमोनिया कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ताकि अमोनिया पानी में मिल जाए, आपका बैक्टीरिया को खाना मिले और वो बैक्टीरिया कॉलोनाइज जल्दी हो. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ADA का. ADA इज द बेस्ट एक्वा सॉइल अभी तक, तो एक्वेरियम सॉइल इससे अच्छा है मैंने नहीं यूज़ किया कोई भी. माई ब्रांड इज ADA बेसिकली. तो ADA यूज़, तो यहाँ पे ADA, और ADA का बायोरियो फिल्टर मीडिया भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फिल्टर मीडिया है. तो ये हमने किया. अभी हमने क्या, अभी हम क्या करेंगे, इसको पानी से भरेंगे. तो अभी क्या होता है, बैक टू आर टॉपिक, ADA अमोनिया बहुत लीक करता है, तो जैसे ही आप पानी भरोगे पूरा अमोनिया लीच होगा. तो पहली बार आप क्या करो, पानी भरो, छोड़ दो आधे घंटे, उसके बाद उस पानी को निकाल दो, फर्स्ट डे तुरंत आधे घंटे के बाद उस पानी को पूरा फेंक दो, और फिर फ्रेश वाटर भरो और फिर उसको छोड़ दो. तो मैं अभी क्या करूँगा, इसमें पानी भरूँगा, उसको निकाल दूंगा, वापस से फिर से पानी भरूंगा, और अब फिर उसको, और फिर फिल्टर विल्टर लगा के छोड़ दूंगा. डार्क स्टार्ट मेथड है, हम लोग लाइट नहीं लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे क्योंकि प्लांट्स नहीं हैं अभी. और उस तरह से हम हर एक वीक, संडे टू संडे, मैं पूरा पानी चेंज करूंगा, पूरे संडे एक पूरा निकालूंगा, हर संडे 4 संडे करूंगा, 4 बार, और उस उन चारों फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स फिल्टर 24/7 ऑन रहेगा. थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बैक्टीरिया हमने डाल दिया है वापस से, तो मैं थोड़ा सा लिक्विड, मेरे पास कुछ लिक्विड बैक्टीरिया आते हैं, राइट, API का आता है, एक्वेरियम स्टार्टर किट और उस वो सब आते हैं, तो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो मैं हर वाटर चेंज के बाद थोड़ा थोड़ा डालता रहूँगा. मोटो क्या है कि एक बैक्टीरिया का पूरा साइकिल, एक पूरा कॉलोनी
कॉलोनाइज हो जाए, नाइट्रोजन साइकिल्स सेटअप हो जाए, उसके बाद जब ये पूरा कुछ हो जाएगा मैं एक नया फ्रेश वीडियो डालूंगा प्लांटेशन के टाइम में, उस समय हम लोग प्लांटेशन करेंगे और उसके बाद मैं लाइट ऑन करूंगा। अभी कोई पूरा, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क स्टार्ट, नॉट ड्राई स्टार्ट। ड्राई स्टार्ट नहीं है बिकॉज पानी भर रहे हैं, राइट? तो ड्राई स्टार्ट नहीं है, डार्क स्टार्ट है क्योंकि हम लाइट नहीं दे रहे हैं और बैक्टीरिया को कॉलोनाइज होने का टाइम दे रहे हैं। फिल्टर ऑन रहेगा, बैक्टीरिया एक्स्ट्रा सप्लाई कर रहे हैं, सुपर फोर पाउडर डाला तो वो सभी में अभी ये बैक्टीरिया कॉलोनाइज हो जाएगा। एक महीने के और डेढ़ महीने के बाद मैं यूजुअली 6 वीक्स वेट करता हूँ, डेढ़ महीने के बाद प्लांटेशन करेंगे। उसमें मैं एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा और उस समय फिर, बिकॉज दिस इज मेरे, मैंने जितने भी प्लांटेड एक्वेरियम किए हैं दिस मेथड वर्क्स मैजिक। क्योंकि क्या होता है, अगर आप अभी प्लांट, अभी क्या होगा, मैं अगर पानी भरने से पहले प्लांट लगा दूँ, फर्टिलाइजर डाल दूँ, लाइट ऑन कर दूँ, सारा कुछ कर दूँ, बैक्टीरिया कॉलोनाइज नहीं हुआ है तो जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा, इतना अमोनिया रहेगा पानी में, अमोनिया के वजह से नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स को तो कन्वर्ट नहीं होगा, राइट? क्या होता है, अमोनिया विल बी कन्वर्टेड टू नाइट्राइट, नाइट्राइट विल बी कन्वर्टेड टू नाइट्रेट, और वो नाइट्रेट प्लांट लेगा, नहीं तो आप वाटर चेंज में निकाल दोगे, तो वो एक पूरा साइकिल है। अभी वो साइकिल नहीं बना, अमोनिया स्पाइक होता जाएगा, फर्टिलाइजर आप डाल रहे हो, और उसमें फॉस्फोरस और वो सब, उसके वजह से क्या होगा कि पूरा एक एल्गी आ जाएगा। तो मैंने जितनी बार भी वो स्टार्ट किया कि फर्स्ट डे प्लांट एंड वो, मेरा कभी नहीं चला है। मे बी मैंने कुछ गलत किया है, नहीं किया, आई डोंट नो, बट दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि दिस मेथड वर्क्स मैजिक। ओनली थिंग इज यू नीड पेशेंस, डेढ़ महीना वेट करना है बिना प्लांटेशन के। रोज आपको ये टैंक देखना है, रोज आपका मन करेगा प्लांट लगा दूं, बट आपको नहीं लगाना है फॉर डेढ़ मंथ। मैं आपको एक पुराना टैंक दिखाता हूं जो मैंने सेम तरीके से बनाया था, उस टैंक को 1 साल हो गया लगभग। मैं दिखाता हूँ आउटपुट, उस टैंक में सिर्फ अभी जाके मुझे ग्रीन एल्गी मिल रहा है बिकॉज बहुत दिन से मैंने पानी नहीं चेंज किया, थोड़ा सा आई गॉट लेजी तो पानी नहीं चेंज किया, बट वो टैंक मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट, राइट? सो दिस इज द, ये टैंक मैंने ड्राई स्टार्ट मेथड से ही किया था। तो इस ड्राई स्टार्ट मेथड में इसको भी मैंने ब्लैकआउट किया, मीन्स पानी भरा, सारा कुछ किया, प्लांटेशन नहीं किया फॉर 1.5 मंथ्स, सेम प्रोसेस जो उसमें अभी दिखाया मैंने। अब उसके बाद देखो कि इस टैंक में मुझे बैक्टीरिया एल्गी ब्लूम कभी हुआ ही नहीं। अभी जाके थोड़ा ग्रीन स्पॉट एल्गी है बिकॉज मैंने पानी चेंज नहीं किया है, मेंटेनेंस थोड़ा सा डाउन कर दिया इसका, लगभग एक महीने से मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, इसलिए प्लांट का ग्रोथ थोड़ा सा इधर उधर है, बट नेचुरल ग्रोथ अच्छा लगता है। तो अभी कुछ कुछ प्लांट्स इसमें, जैसे ये अमेजोनिया चाइनीज अमेजोन सोड आई थिंक दिस वन, और फिर यहाँ पे हेयर ग्रास है, यहाँ पे ब्लिक्सा जापोनिका है, उधर लुडविगिया सुपर रेड है, उसके बाजू में ये जो है ना, उसके बाजू में इट इज़ लुडविगिया इंक्लिनाटा, ये वाला जो एंजल के सामने दिख रहा आपको, फिर यहाँ पे क्रिप्ट्स है, क्रिप्टोकोरिन ग्रीन, फिर यहाँ पे एनूबियस है, ये HM है। सो ओवरऑल देखो आप, ये टैंक दिस इज़ डूइंग रियली ग्रेट, मुझे कभी भी एल्गी का प्रॉब्लम हुआ ही नहीं इस टैंक में। तो दिस इज द आउटपुट, इफ दिस इज द आउटपुट देन रियली इट्स वर्थ वेटिंग। सो डार्क स्टार्ट मेथड इज रियली गुड। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, मैं अभी वो दूसरा वाला टैंक जो भी जैसे हमने सेटअप किया उसका मैं अपडेट्स देता रहूँगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और कब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कब प्लांटेशन कर रहा हूँ, कैसे करेंगे आपको। अब इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू ट्राई सम प्लांट्स लेट मी नो इन कमेंट्स, विल ट्राई दैट आउट। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।